नमस्ते वनाम, मैं आपका भाई सिंगर धर्मेंद्र कुमार। आप लोग देख रहे थे नैनागढ़ की लड़ाई उर्फ आल्हा और सोनमा का विवाह। तो आप लोगों ने अभी तक भाग पांचवा देखे हैं, तो लीजिए आपके स्क्रीन पे हाजिर है भाग छः। भैया सरदार जी, भाई रुडल, यार आज महाप्या को कचहरी लगा है। सत्य बात है, इस राज कचहरी पर नित दिन भैया जी भगवान को भजन होता है। आज भी इसी राज मंगले पर भगवान को भजन हो जाता तो बहुत सुंदर की बात होता। ऐसी सोच रखा है, सत्य बात है। कहा गया है भारुदल कि राम नाम ने आलसी, राम नाम ने आलसी भोजन में होशियार। कह गए तुलसीदास की जलम जलम क्षत्रियो रजपूतो पगले पर, जब तक भगवान का भजन नहीं होता है तो जय जय है। भाई जोड़ी देवा, भाई आज हम लोग राज कचहरी पर नौजवानों पधारा हूँ। अच्छा, क्या इस राज बंगले पर माँ देवी को नाम उच्चारण हो जाता तो बहुत सुंदर की बात होता। भाई दयचंद, छात्र राजपूतों को बंगला पर, छात्र राजपूतों को बंगला पर जब तक भगवान को भजन नहीं होता है, जब तक किसी तरह से गौंज नहीं उठता है। कहना बिल्कुल सत्य है। मिराज, इस समय हम लोग आज राज महाप्या के नौजवान हो। अच्छा, सभी मिलकर के एक साथ बहादुर माँ देवी को नाम उच्चारण कर लो। अच्छा, कर लो, तैयार हो जाओ। तैयार ही हो। Hey, hey.
रे बदमाश, क्या एक क्लास रहता रे? ए तेरी ए मालिक जी, भगवान के नाम लेते लेते कंठवा गली सूख, तकार ले लेके करे पर जरा एक गिलास पानी रहता हाल। बहादुर जी, तुम्हें कहना है कि महाराज भगवान को नाम उच्चारण करते करते हमारा कंठ सूख गया। हाँ, तो एक आध गिलास पानी रहता है, वही ना कह लियो। अरे भगवान में इतना शक्ति है बहादुर, माँ देवी में इतना शक्ति है कि उनको नाम लेने पा रहे जितने शरीर में दुख और तकलीफ रहता है वो सारा बहादुर दूर चला जाता है। भगवान के भेद क्या है? हमें हाँ हाँ ना, हम भगवान के भजन कर रहे, रब्बा इनके भगवान रहे। भगवान के वो एक भगवान के एक बहन के भगवान से लड़ाई न चला बजे। किस चीज का लड़ाई चलता है जी, बतलाओ? किस चीज का बताइयो? हमरे यही चीज के लड़ाई चलावा, भगवान का नाम हम ना ले कहे गुनी गुनी कि पर की सलवा हमार दादा भगवान के नाम ले लखुन, हमार भगवान के नाम ले लखुन बिहने पहाड़ निहाथ होके आ सांझ के हमार दादा उठा ले। क्या तुम्हारे दादाजी डेट कर गए? हमारे दादाजी डेट कर गए, फफुआ पहुंचा दिए जाके। फिर क्या हुआ? फिर का होलो? फिर इंसान जैसे ही जे भगवान के नाम लेवे ला के लिए तो देखो हमारे गलिए में घाव हो गलो। भगवान के नाम लिया है। बहादुर सुनो 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 जी, हमने समझ गए। बहादुर तू अपने लिए नाम लेते हो हृदय से तो सही दिल से पूजा पाठ नहीं करते हो, तुम्हारे मन में जरूर कुछ छल होगा। छल तो है, जरिमानी जरिमानी छल है। जल जब भगवान के नाम ले लियो ना तो कभी कभी जा करके पहले खाओ ले लियो, ओकर बाद जाके भगवान। बदमाश कहीं का, और बोलता है कि पहले खाना खा लेते हैं तो पीछे जा करके नाम लेते हैं। पागल आत्मा होती तो ना परमात्मा होती। बहादुर इसीलिए तुम्हारे पर संकट है, शरीर से देवी मानव नाम लेते हैं। जितना जो शरीर में बहादुर सुख हृदय से नाम लेते हैं, अच्छा तो जितने शरीर के अंदर दुख और तकलीफ रहता है वो सारा बहादुर दूर चला जाता है। जे हाँ, भगवान के नाम ले लियो। बहादुर एक कहानी आदा आ गया, कहानी में है मानुष मानुष सब कहे मानुष में कछु भेद। मानुष मानुष सब कहे मानुष में कछु भेद। अच्छा, कोई मानुष होते हैं देवता और कोई मानुष होते हैं प्रेत। आइए
है कि का तो कोई मानुष देवता हो जाते, कोई मानुष के तो प्रेत हो जाते। तुम्हारी ऐसी प्रेत बनेगा कैसे? कैसे बहादुर? इका भगवान को नाम लेने में कहता है कि महाराज पहले भोजन कर लेते तब पीछे जाके भगवान को नाम लेते हैं। बहादुर तुम्हारे ही ऐसा हनुमान जी, हनुमान जी आज भी उतरते हैं तो बच्चे लोग उनको बांदर कहते हैं, बोलते हैं ना? हाँ बोलते हैं। वही बांदर के बहादुर देखो, प्रभु श्री रामचंद्र जी को दिल में बसाने से, पूजा पाठ करने से, अपने हृदय में बसाने से बहादुर आज वही बांदर के देखो, देश देश में देखो, विदेश में देखो, हर एक गांव में देखो। अच्छा, बहादुर बजरंग बली बन के पूजा रहे हैं। आय मौली जी हम भू जे भगवान के नाम ले भाई तो तू बिहान से हमार पूजा कर भू। पागल कहीं का तेरे आके मैया भगवान को नाम तक नहीं लिया है, अब पहले पूजाने के लिए तैयार हो गया। कर्मा छोड़ा ना, कर्मा छोड़ा ना बहादुर, एक बार भगवान को नाम लेकर के देखो। अच्छा कि कितना भगवान में शक्ति है जे। पहले हमारे कान मलावा लो, कान मलावा ना हमार। अरे काम तुम्हारा पास है मूर्ख कहीं का, आपकी कब और दलो ते भगवान का नाम ले गया नहीं है बतला जे? ले लियो, लेगा कि नहीं? ले ले बना तो जबरदस्ती कर लो तो ले भी कर वो। तब सुमरन करली मालिक जी आज मोटर पिटर के, आज सुमरा न करली मालिक जी आज मोटर पिटर के, आज जे कहा से पाटली आज सुमरन कर लीज मालिक सुनला दरबरिया के बात, आज सुमरन कर लीज, आज सुमरन कर लीज मोटर पकड़ के, आज जे तरह से बटक मालिक के हुआ चिधान। आज सुमरा न कर ली, अरे बदमाश, अरे मूर्ख कहीं का, अरे बदमाश कहीं का, हम लोग इसी राज के चेहरे पर देवी देवताओं का नाम लेता हूँ। ये बताओ मोटर पिटर में घर में कौन देवता बास करते हैं? मोटर पिटर रखिता बतलाओ, कौन देवता बास करते हैं? कौन देवता? हाँ हाँ बता दियो, बतलाओ। देखा मालिक हम किसानी लाइन के आदमी हो। अच्छा, अब मोटर पिटर में कहो कि कौन देवता बास करते हैं तो उसमें बास करते हैं हम लोग किसानी लाइन के आदमी है, तो मोटर या पीटर को लेकर के किसी बोरिंग पर चल गए। अच्छा, जा करके ओकरा चालू कर ले, चालू न हो रहा मारल हैंडल चालू है ना हो रहा ख्याल तरबा, एकदम हैंडल मारते 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 एकदम सपेने सपेने हो गई। अरे बदमाश कहीं का, लोगों कहानी कहते हैं कि मुखों पर यानी शरीर पर पसीना छूटता है लेकिन सपेने सपेने कैसे होता है रे? और वो बूंदे बूंदे ना हो जाएगा ठोप ठोप चुआवा? अरे तो पसीना ना बोलो बदमाश कहीं का। वही 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 फिर ओकर बाद का कह लियो कि कहलियो ये विश्वकर्मा भगवान कहीं तू है चालू हो गया ना तो जाके फतुहा से 2 किलो लड्डू चढ़ा देबो। अब मारली हैंडल इतना नाम लेके जैसी मार घुसा के हैंडल हम मारली तो फिर बहादुर तू उस मोटर पिटर की तूने विश्वकर्मा मानते हो? जी जी ठीक है बहादुर, हमने भी समझ गए कि सही में उस मोटर पिटर में
बाबा विश्वकर्मा बास करते हैं, बास करते हैं। हाँ ना रतलवा मोटर पीटर ना, तो ना होतलवा धान, ना होतलवा गेहूं, ना होतलवा आलू, ना होतलवा प्याज, तक खाई तो सुथनी। अरे बकवास नहीं कर रहे, तेरे मोटर पीटर को स्मरण किया तो मैंने बाबा विश्वकर्मा माना। क्या चीज का सुथनी का, सुथनी कौन ऐसा चीज होता है? सुथनी? हाँ सुथनी एगो फल है। इधर आओ, इधर आओ। सुथनी एक फल है, कहाँ उपजता है? इधर उपजा को पाटी पाटी गंगा जी के उपट्टी दियर में। तो ऐसे ना बोला बदमाश कहीं का कि दियर में बसता है। हाँ और एक ऐसा जेठान, एक ऐसा बरत है, समझे मालिक जी? ओ हर घर ने, हर गांव ने, जिला जेवार में सभी को माँ बहन सबसे पहले सुथनी और गुड़ को पूजा करते हैं और उसको बाद उसी चीज को जो फलहार करते हैं। बहादुर तुम्हें कहना है कि वो सुथनी है वो भगवान का भोग में लगते हैं। हाँ सभी महीनों में पर्व आते हैं, वो भी एक पर्व है जिसे नाम है जेठान व्रत। जेठान व्रत है वो, जेठान व्रत देने सभी घर में माँ बहन सुथनी को लाते हैं। हाँ हाँ भगवान के ऊपर चढ़ाते हैं, चढ़ाते हैं और सबसे पहले भोग वो सुथनी गुड़ को लगाते हैं, सबसे पहले उसी को लगाते हैं। तुम्हें पहले ना इसका बाद में बोलना चाहिए, तू तो सुथानिया लगी रुस जाता। चावस चावस बहादुर, चावस बहादुर, चावस बेटा अपने के क्या हमको ना आप। अरे बदमाश सरदार जी बोल रहे हैं दुलार सिंह की, चावस बहादुर, चावस बेटा। तू किसको कहा? अपने के हमको कहा, अपने के तेरे के यानी अपने आप के, अपने आप को बड़ाई करता है, अपने बदन के बड़ाई कर रहे हैं। ठीक है ठीक है बहादुर, ठीक है बा, चलो बैठ जाओ, बैठ जाओ सरदार जी। भार दल इस राज के चेहरे पर बैठे बैठे मन में की बात विचार किया हूँ। कौन सी विचार किया है? कौन ऐसा बात का विचार किया हूँ कि आजकल का युग में जितने साधु संत महात्मे बन गए वो अंडा मुर्गी मदरा मांस आदि इति चीज खा करके अपने धर्म को भैया नाश कर दिए। सही बात है, हम लोग सभी भाई मिलकर के राज महब्या में भाई देवा को पंडित मानता हूँ। हाँ भाई उधर, आज भाई देवा से छोटा सा एक सवाल कहने के लिए चाहता हूँ। क्या सवाल? हाँ हाँ सही बात है, राज कचहरी पर और सवालों के जवाब नहीं दिया तो देवा पंडित का कान पकड़ के राज कचहरी पर से भागा बल जाएगा। ठीक है सरदार जी, आप कचहरी पर पधारिए। भाई जोड़ी देवा, भाई देचन, आज इस राज बंगले पर छोटा सा एक प्रश्न कहने के लिए चाहता हूँ। क्या हम इसी एक प्रश्न कहने के लिए चाहते हैं? हाँ हाँ। कौन ऐसा प्रश्न है जो कहकर सुनाइए? ठीक है सुन लो, सुन लो।
कैप्टन। कौन ऐसा नदी है जो कि बिना घाट का है? अच्छा, कौन ऐसा पुरुष है जो कि बिना बाप के कहलाते हैं? भाई देचन, इसी चीज का आज परीक्षा लेना चाहते हैं। हाँ सुन लीजिए,